चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की। स्टडी करना है आप सबको पता है नाइट्रोजन फैमिली की। स्टडी में आज हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लिखिए N2 डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले आती है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड डाइनाइट्रोजन की सबसे पहली है लैब मेथड। लैब मेथड में जब हम डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं तो NH4Cl प्लस NaNO2 दोनों एक प्लस पोजीशन में होंगे। अमोनियम क्लोराइड एंड NaNO2 दोनों को रिएक्ट करेंगे, यहां फॉर्मेशन होगा NH4NO2 और सेपरेट होगा NaCl। हमको इससे मतलब NH4NO2 से, क्योंकि जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन NH4NO2 ये हीट सप्लाई की, यहां फॉर्मेशन होगा N2 डाइनाइट्रोजन प्लस 2H2। ये डाइनाइट्रोजन की लैब मेथड है। दूसरी इसमें होगी जनरल मेथड। जनरल मेथड में जब आप डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 इसका नेम है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट सप्लाई करते हैं, ये सप्लाई की तो तय है कि डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा? डाइनाइट्रोजन। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? एक, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा 4H2O। और यहां क्रोमियम बैठा है तो Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये डाइनाइट्रोजन की सेकंड प्रिपरेशन मेथड है। थर्ड मेथड है कि अगर आपको प्योर डाइनाइट्रोजन को ऑब्टेन करना है, प्योर स्टेट में, तो या तो आपको सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को यूज करना। इसको हीट सप्लाई करते हैं, प्योर स्टेट में आपको नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, डाइनाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, जैसे NaN3 इसका नेम है सोडियम एजाइड, नाम लिखा हुआ NaN3 का सोडियम एजाइड, हीट सप्लाई करना। इसको ट्वाइस करिए तो यहां फॉर्मेशन होगा ट्वाइस Na प्लस 3N2। ये प्योर स्टेट में डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन है। बेरियम एजाइड को भी ले सकते हो, ये लिखा हुआ है, तो बेरियम एजाइड में फार्मूला बनेगा N2O3। इसको हीट सप्लाई करो तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा बेरियम, सेपरेट हो जाएगी मेटल और 3N2 डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन। तो ये तीन डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड है। ये लैब मेथड है, ये सिंपल जनरल मेथड है। इसका कलर लिख लीजिए, यहां पर ये ग्रीन कलर का होगा Cr2O3 और यहां पर ये ऑरेंज कलर का होगा। और प्योर स्टेट में अगर आपको डाइनाइट्रोजन ऑब्टेन करना है तो इनको यूज करना पड़ेगा, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। नोट करिए, लिखिए
अब लिखिए भाई नाइट्रोजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड थी। अब हम स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये गैस कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस। ये इसकी फिजिकल लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये कंप्लीटली वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। दूसरी प्रॉपर्टी हुई लेस सोल्यूबल इन वाटर। और इसको हम कलेक्ट कहां कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल पर। नाइट्रोजन को कहां कलेक्ट कर सकते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर नाइट्रोजन कलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप याद रखना चाहे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड है। तो यहां पर देखेंगे कि नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और जिसका बॉन्ड ऑर्डर हायर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 बॉन्ड लेंथ। और ऐसा भी लिखते हैं हम कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये फार्मूला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने स्टडी की थी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी मींस ये मोस्ट स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव है। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर हायर है तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी वैल्यू हायर है। बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, बॉन्ड ऑर्डर हायर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, हायर वैल्यू होगी। उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं, और बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत इसके लिए हायर होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है। लीस्ट रिएक्टिव है, इनर्ट है, मतलब किसी से रिएक्शन आसानी से नहीं करती। अब कहां कहां ये रिएक्शन करती है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। नाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करती है, तो मेटल से कहां कहां रिएक्ट करती है, लिथियम नाइट्राइड Li3। आपने एस ब्लॉक में स्टडी की होगी, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है, लिथियम कैन फॉर्म नाइट्राइड Li3N। क्योंकि लिथियम स्मॉलर साइज का है, पोलराइजिंग पावर हायर है, डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, इसलिए लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप से सिमिलर है, एनामोलस बिहेवियर था। जबकि दूसरी जितनी भी मेटल है वो नाइट्रोजन से डिफिकल्टी से रिएक्ट करती है, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट होगा, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। अब लिथियम का डायगोनल किससे है, लिथियम का डायगोनल मैग्नीशियम से है, सेकंड ग्रुप के जो उससे डायगोनली प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम भी ऐसा करेगा प्लस M2 और फॉर्मेशन करेगा Mg3N2। यहां पर 3 कर लीजिए, बैलेंस। तो लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड एज वेल एज मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड, दोनों ही नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकते। जब आप मेटल के अगेंस्ट डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन नॉन मेटल से करते हैं तो आप स्टडी कर चुके हैं, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 हाइड्रोजन मोल फॉर्म 2NH3। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अमोनिया के एवर प्रोसेस है,
N2 जब नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, और ये अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट इन सबको प्रिपेयर करने में यूज होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन एक ऐसा मटेरियल है, डाई नाइट्रोजन एक ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल जो प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजर जो यूज होता है उसमें हम नाइट्रोजन के थ्रू अमोनिया अमोनिया के थ्रू फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मतलब डाई नाइट्रोजन के यूजेस क्या हुए, इन मेकिंग फर्टिलाइजर। इसकी कंडीशन थी कि आपको नाइट्रोजन कितने मोल लेना है, 1 मोल, हाइड्रोजन कितने मोल लेना है, 3 मोल, तब 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो स्पेशल कंडीशन में होगी, आपको इस पे प्रेशर हाई यूज करना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी की वैल्यू नेगेटिव है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, लिचट लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको हाई प्रेशर रखोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। कैटलिस्ट आप यूज करते हो आयरन या फिर मोलिब्डेनम, प्रमोटर कैटलिस्ट है, आयरन इसमें कैटलिस्ट है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इतनी -46.1 किलो जूल पर मोल, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, आपके पास इसकी कंडीशन लिखी हुई है। हाई प्रेशर 200 एटीएम से 800 एटीएम तक आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करना है, लो टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर को यूज करना, ये प्रेशर की रेंज है और ये डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज है, ठीक है। इस तरह ये नॉन मेटल से रिएक्शन है। नॉन मेटल से एक जगह और रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, पता है आपको। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो यहां पर पहले पहले की स्टेप में क्या बनेगा, ट्राइजेनो, और फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो ट्राइजेनो टू का फॉर्मेशन हो सकता है, अगले स्टेप में जाओगे, बाकी यहां पर ये अलग हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है इसकी कि कैल्शियम कार्बाइड से इसको रिएक्ट करें, क्या अगर हम नाइट्रोजन को, ये कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से इसको रिएक्ट करते हैं तो CaCN2 यहां फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCN2 को कार्बन सेपरेट होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, और ये फर्टिलाइजर के मेकिंग में, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो फर्टिलाइजर के मेकिंग में ये यूज। अब बात करें यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, एक फर्टिलाइजर में यूज होती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर कहीं प्रोवाइड करना है तब भी नाइट्रोजन को यूज करते हैं, कभी कभी पैकिंग मटेरियल में नाइट्रोजन को यूज करते हैं, तो इस तरह नाइट्रोजन कई अलग अलग जगह यूज होती है। आप इसको नोट करिए, सिस्टमेटिक पूरा लिखिए, मैं लिखवा देता और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए भाई नोट करिए, अगला हेडिंग लिखिए भाई, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। समझिए भाई, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन भी हो, जिस मेटल की हम स्टडी कर रहे हैं वो भी हो एलिमेंट, और हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन होगा तभी एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की हम स्टडी कर रहे हैं। एक इसमें होता है आर्थो
फॉस्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है। पूरी जानकारी पूरी डिटेल इसमें समझेंगे हम। पहला होता ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है? H3PO4, ये इसका फार्मूला। अब फार्मूला है तो इसमें कितने H प्लस रिलीज होंगे आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो डायग्राम जब आप डिजाइन करोगे तब पता चलेगा। तो देखिए फास्फोरस सेंटर में होता है, डबल बॉन्ड इधर, तीन ऑक्सीजन मतलब टोटल चार है, एक दो और ये तीन, ये इसका डायग्राम। फास्फोरस की वैलेंसी पांच होती है, पांच वैलेंसी चल में उसके इलेक्ट्रॉन है, दो इस ऑक्सीजन को दिए, तीन इधर दिए। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा वो रिलीज हो, एक दो, क्योंकि यहाँ पोलरिटी कैरेक्टर हायर होता है और हाइड्रोजन जब जब ऑक्सीजन से अटैच होगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। मतलब ये कैसे नहीं चलता है, ट्राइबेसिक मीन्स ये तीन हाइड्रोजन को रिलीज करता है, इसकी बेसिसिटी थ्री है। दूसरा ऑर्थो फास्फोरस ऐसे जिसका फार्मूला बनेगा H3PO3, इसका नाम है ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ये फास्फोरस यहां इधर होगा। अब देखिए हाइड्रोजन तीन है, ऑक्सीजन भी तीन, एक मैंने लगा दी, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, या फिर एक यहां लगा दीजिए, कहीं भी लगा, कोई फर्क नहीं। ऑक्सीजन का था मौजूद ही, अब केवल हाइड्रोजन बचे थे, तो तीन हाइड्रोजन में एक यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा और एक डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच करना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो रिलीज नहीं होगा। तो यहां से हाइड्रोजन कौन सा जाएगा, एक दो, तो ये कैसे नहीं चलता होगी, डाइबेसिक। ऐसे नेचर का ये डाइबेसिक, ये ट्राइबेसिक नहीं है, ध्यान रखिए। या तो फास्फोरस एसिड डाइबेसिक होता, वो दो हाइड्रोजन को रिलीज करता, एक को क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस। तीसरे टाइप का जिसको अपन बोलते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड, ये तीसरे टाइप का, दो डायग्राम बना चुके हैं भाई, ये फास्फोरिक एसिड ऑर्थोफास्फोरिक या ऑर्थोफास्फोरस, अब आया हाइपोफास्फोरस। तो हाइपोफास्फोरस में क्या होगा, H3PO2, मतलब एक ऑक्सीजन और गायब होगा। अब ये कितना बेसिक होता है, डायग्राम बना के देखते हैं, ये फास्फोरस, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितनी बची, ऑक्सीजन तो एक बची जिससे हाइड्रोजन अटैच, मतलब दो हाइड्रोजन इसमें डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच। डायग्राम देखिए आप, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, और हाइपोफास्फोरस एसिड में दो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच है, ये दोनों रिलीज नहीं होंगे, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, केवल ये हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, मोनोबेसिक। और एक होता है मेटाफास्फोरिक एसिड, चार नंबर पे लिखेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला HPO3, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है तो तय मोनोबेसिक होगा। डायग्राम बना लेते हैं, ये फास्फोरस से एक ऑक्सीजन अटैच इधर, यहां पर एक ऑक्सीजन से ऐसे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच कर दो, रिलीज हो जाएगा। अब बची कितनी ऑक्सीजन, एक दो, और ये डबल बॉन्ड से HPO, इसको बोलते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड, ये है मोनोबेसिक।
हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये चारों फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, और ये पॉलीमेरिक यूनिट में भी बन सकता है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को पार्टनरशिप में करके पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, मेटाफॉस्फोरिक पॉलीमर के फॉर्म में भी मिलेगा। ये दो याद रखें, ये सॉल्यूशन में भी आपको नॉर्मेलिटी के टाइम समझाए थे कि इसकी बेस एसिडिटी 3 होती है, इसकी बेस एसिडिटी 2। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड जो दो है, HNO2 HNO3, फिर उनकी बात करेंगे। पहले इन चारों के आप डायग्राम बनाएंगे। चलिए तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड है, एक का नाम HNO2 एक का नाम HNO3। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यहां पर है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगा। अब दूसरी समस्या है कि दोनों मोनोपरेटिक है, एक हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा, एक ये रिलीज करता, दो हाइड्रोजन है ही नहीं इनके पास, तो ये मोनोबेसिक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कई जगह यूज होता है, किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह HNO3 यूज किया जा सकता है। अब बात करें कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, तो इसका नाम वो एक, तो ये अस, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। अब भाई इसके बारे में ये फेमस है कि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कितना रखता है, +5। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +5 वो मैक्सिमम, और नाइट्रोजन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता, कैन नॉट इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा क्या, नहीं। मतलब ये केवल किसकी तरह काम करेगा, स्पॉन्गेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये डॉक्टर मींस डोनर नहीं बन सकता, ये डॉक्टर नहीं बन सकता, क्यों कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम है +5, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, मतलब HNO3 ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में हो और मिनिमम में आ जाए। तो ये कहां तक जा सकता है, -3, 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकता है नाइट्रोजन, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सके वो रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, केवल ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आप इस पर आ जाइए, नाइट्रोजन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ ले जा सकता है, +5 मतलब इंक्रीज कर सकता है, तो ये डॉक्टर भी बन सकता है, और ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को -3 कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इसका मतलब ये गोवा भी जा सकता है, गेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। इन दोनों के बारे में ये सारी बातें आप नोट करिए, फिर हम HNO3 प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। हम अब नाइट्रिक एसिड हमारे सिलेबस में डिटेल है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी।
भाई नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहली मेथड आती है लेड। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? HNO। और प्रिपरेशन मेथड में लेब मेथड सबसे पहले आती है। लेब मेथड में क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, मींस स्मॉल अमाउंट में जब प्रिपेयर करना, लेबोरेटरी यूज के लिए प्रिपेयर करना हो तब उसको इस तरह इसमें मिलाते हैं भाई NaNO3। इसके प्लेस पे आप KNO3 भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप H2SO4 को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन मिल जाएगा HNO3 प्लस NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। सिंपल सी लैब मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। NaNO3 को H2SO4 से रिएक्ट किया तो HNO3 का फॉर्मेशन हो गया और दूसरा मटेरियल NaHSO4। कोई इसमें समझने समझाने जैसी बात नहीं। अब आते हैं भाई सेकंड मेथड। जब हम HNO3 को लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियली यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब इसमें पोस्ट वाल्ड मेथड को यूज करते हैं। पोस्ट वाल्ड मेथड, समझिए भाई, रे डायग्राम बना के और फिर उसकी रिएक्शन सही हम इसको समझ। पोस्ट वाल्ड मेथड में अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर, तो एक ये चैम्बर है जैसे सपोज ये चैम्बर, यहां से हम सप्लाई क्या करेंगे, यहां से आप सप्लाई करिए NH3, ये सप्लाई की इधर से NH3 और यहीं से कहीं आप इसमें O2 की सप्लाई रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा NH3 प्लस O2, मतलब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्शन में यहां नीचे लिखूंगा, ये रे डायग्राम है कि इस चैम्बर में क्या हो। अब इस चैम्बर में अमोनिया का आपने ऑक्सीडेशन किया तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन कैसे होगा, NH3 plus O2 gives NO plus, ऐसा लिख सकते हैं हम 3H2, यहाँ लिख लें twice NO, यहाँ लिख लें 5 by 2 O2 और यहाँ लिख लें 2 NH3। पहले पढ़ चुके हो केमिकल इक्विलिब्रियम में थी ये रिएक्शन, twice NH3 गैस ऑक्सीडेशन किया तो NO गैस का फॉर्मेशन होगा और थ्री वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप टेंशन मत, मीन्स इस चैम्बर में क्या फॉर्मेशन हुआ NO। आगे बढ़ ये NO यहां से आगे चल अगला चैम्बर। अगला चैम्बर होता है भाई ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया वो वाला चैम्बर। अब यहाँ इस NO का ऑक्सीडेशन होगा, कौन कौन होगा इसमें NO plus O2 gives NO2, हम बैलेंस अलग से करेंगे या रिएक्शन लिखेंगे कि इस चैम्बर में रिएक्शन क्या हो। ये पहली रिएक्शन पहले चैम्बर की, अब इसकी रिएक्शन यहाँ NO का ऑक्सीडेशन होगा और O2 से ऑक्सीडाइज करोगे तो NO2 का फॉर्मेशन। तो यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं क्या हुआ, twice NO plus O2 twice NO2, ये बन गया। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर होगी, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर कैटलिस्ट रखना पड़ेगा, जैसे प्लेटिनम भी रख सकते हो RH और भी किसी पर, प्लेटिनम को यहाँ यूज करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर NO2 का फॉर्मेशन। अब ये यहां से NO2 चली आगे, ये आ गई NO, NO2 आएगी भाई इस चैम्बर में, ये आ गई NO2 इधर, यहां से इधर आई पाइप के थ्रू, ये आ गई, ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर ऐसा चैम्बर है, ऊपर से इसमें क्या करते हैं,
like a defining यहां से आपने किसको फायर किया वाटर को कौन सी गैस है इधर है NO2 गैस और वाटर की रिएक्शन होगी तो HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा HNO3 यहाँ कलेक्ट हो जाएगा यहां से जब भी आपको आवश्यकता लगे HNO3 को यूज कर सकते तीसरे रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता इसकी क्या होगी ये तीसरे नंबर की रिएक्शन NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस NO प्लस H2O रिएक्शन को बैलेंस कर लेना यहाँ एक नाइट्रोजन है यहाँ दो नाइट्रोजन है तो इसको कर लीजिए 3NO2 और इसको कर लीजिए 2 तो शायद बैलेंस हो जाए तीन छह तीन पांच छह बैलेंस ठीक है ये HNO3 की ओसवाल्ड प्रोसेस ओसवाल्ड मेथड के नाम से फेमस है आपको पूरा ये डायग्राम डिजाइन करना है एक रिएक्शन दो रिएक्शन और ये थर्ड नंबर की रिएक्शन को नोट कर समझ में आ गया होगा सिंपल सी मेथड है ये लैब मेथड है ये कमर्शियल मेथड है दो मेथड से HNO3 को हम प्रिपेयर करते हैं डायग्राम नोट करिए और आगे बढ़िए हम HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करें इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कैसे ये ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन अटैच है ये रिलीज होगा मोनोबेसिक है अब इधर इस ऑक्सीजन से कौन अटैच है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में भी प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे कुछ है ये NO2 ग्रुप है और यहाँ पाई बॉन्ड है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर होगा ठीक है ये इसका डायग्राम है अगर यहां से हाइड्रोजन को हटा दें मान लो अरे ये तो एसिडिक नेचर का है ना जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये क्या देगा एच को रिलीज करेगा एच इसको दे देगा एच किसको दे देगा वाटर को तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस ठीक है अब NO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ तो NO3 माइनस का आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए डायग्राम कैसे होगा ये नाइट्रोजन एक इधर डबल बॉन्ड से एक नेगेटिव देखो इसके सराउंडिंग स्पेस में कितना सिग्मा बॉन्ड है एक एक यहाँ दो और एक ही मतलब परमानेंट बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में छोड़ते हैं इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा चलिए ये HNO3 के एसिडिक नेचर की बात हुई कि जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो नाइट्रेट आयन आपको देता है ये नाइट्रेट आयन का फार्मूला NO3- डायग्राम मैंने बना दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है अब दूसरी चीज आप ये एसिडिक नेचर का है तो एक कंसेप्ट इसका सॉल्यूशन में आप स्टडी कर चुके हैं 68% का एक्वस सॉल्यूशन HNO3 के साथ कितने परसेंट का सॉल्यूशन है 68% का सॉल्यूशन है मतलब 68% कौन है HNO3 और 32% उसमें कौन है वाटर इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको आप बोलते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो दोनों को जब मिक्स करते हैं अब ये किसके एग्जांपल में आता है वो आपको ढूंढना है आज की डेट में कि ये सॉल्यूशन में हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की स्टडी की थी ये कौन से टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आता है लो बॉइलिंग पॉइंट में आता है या हायर बॉइलिंग पॉइंट एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और याद दिलाता मैं आपने वहां पढ़ा था अल्कोहल लिया था और वाटर में मिक्स किया था शायद वो 94.5% का मिक्सचर था यहाँ का परसेंटेज देख लें 95.5 या 94.5 और रिमेनिंग वाटर था
ये भी एजोट्रॉपिक मिल जाएगा। लेकिन दोनों के एग्जांपल में देखना, एससीएल का भी एससीएल का 20% का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल। तो HNO3 का 68% का सॉल्यूशन एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल। इतनी सारी चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लीजिए बाकी। और एक प्रॉपर्टी और याद रखिए, ये डेंजरस एसिड है, खतरनाक एसिड है, अगर हाथ में लग जाता है तो किस्मत से हाथ पीले हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो ब्लिस्टर हो जाते, छाले हो जाते हैं हाथों में, इसलिए सावधानी रखिए। और इसी से HNO3 और SPL का 3:1 का जो सॉल्यूशन है उसको ही हम एक्वारीजिया, HNO3 और SPL का जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वारीजिया बोलते हैं। जो किसी में डिसॉल्व ना होता वो एक्वारीजिया में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है एक्वारीजिया में। बड़ा फेमस है, इसको परसेंटेज वाइज ध्यान रखिए और नोट करिए बोर्ड पर से इतनी सारी चीजें। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर डायग्राम बना लीजिए। कल हम